गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन इन द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स यस्टरडे इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड अबाउट व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई विल कंपैरिजन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आई विल टीच यू अबाउट कंपैरिजन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। You all know if A and B are two sets, students, that this is A, this is B. If A and B are two non-empty set, then the relation, जो relation होता है students, R A से B में वो A cross B का क्या होता है students? Subset होता है। आई आगे तो लियो कि relation जो होता है वो A cross B का क्या होता है? Subset होता है students. तो इसमें ऑर्डर पेयर टाइप एलिमेंट्स रिलेशन में होते हैं और आप फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो रिलेशंस होते हैं ए क्रॉस बी के सबसेट होता है स्टूडेंट्स। लाइक इफ वी टेक यहां पर एलिमेंट्स अगर हम ये ले लें 1 2 3 4 यहां पर ले लें हम स्टूडेंट्स 7 8 9 10 11 12। अब एक रिलेशन स्टूडेंट्स लेते हैं 1, 7 2.8, 3.9, 3.10, 4.10. This is the 10. Students, ये रिलेशन हो गया क्योंकि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हम क्रॉस करेंगे तो 1.7। तो इस टाइप से एक रिलेशन ले लिया। ये हम लोगों ने एक रिलेशन ले लिया। अब स्टूडेंट्स रिलेशन और फंक्शन में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या? तो फंक्शन को मैंने बताया था फंक्शन होने के लिए अगर कोई आम इससे और इससे मैपिंग हो रही है मैपिंग मीन्स चित्रण फंक्शन फलन एक ही चीज है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ए से बी में हमारे पास कोई रिलेशन है आर ये फंक्शन कब होगा? एक्चुअल में स्टूडेंट फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टाइप होता है या पर्टिकुलर टाइप होता है। बस एक थोड़ा सा उसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप इस रिलेशन को देखिए कि ये रिलेशन है। मैंने पहले बता चुका हूं रिलेशन का फॉर्म किस तरीके से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो 1 की हमारे पास इमेज जो है वो 7 पे जा रही है तो 1 रिलेट हो रहा है 7 से, 2 एरो 8 से, 3 एरो 9 से एंड 4 एरो 10 से। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि हर एक एलिमेंट्स की एक अलग ही एक इमेज बन रही है। यहां पर एक अलग इमेज 2 की इमेज 8 डिफरेंट इमेज, 3 की 9, 4 की 10। तो जब स्टूडेंट्स इस टाइप का कोई भी रिलेशन होगा तो फंक्शन की डिफिनेशन को वो फॉलो कर रहा है। फंक्शन की क्या डिफिनेशन मैंने कल स्टूडेंट को बताई थी स्टूडेंट्स? एनी रिलेशन विल बी फंक्शन इफ एफ इज एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ A and B should be non-empty. So you can see these two sets are non-empty. Secondly, each element of A has a unique image in B, which is also right in this case. Each element of A, इसके सारे elements, each means सारे, इसके each elements की इसमें image बननी चाहिए जो कि unique होनी चाहिए। अब unique का मतलब क्या है students? कि अगर 1 की image यहाँ पर 7 बन रही है, अगर 1 की ही इमेज यहां पर 8 पर बना है तो हमारे पास फिर ये यूनिक नहीं रह जाएगा। इसके लिए क्या हो रहा है? दो अलग अलग एक ही सेट में दो अलग अलग इमेज बन रही है, एक ही एलिमेंट्स की दो अलग अलग इमेज बन रही है अदर सेट में बी सेट में, तो ये यूनिक नहीं होगा। इस कंडीशन में ये सेट नहीं फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर तो है 1, 7 से है 2, 8 से तो यूनिक बन रही है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन और होती है कि नो एलिमेंट ऑफ
student of A have more than one image. इसके हर एक एलिमेंट की इसमें इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए और इसके किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बी में नहीं बननी चाहिए. तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है किसी भी रिलेशन में तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा. सिंस दिस रिलेशन वन की सेवन पे जा रही है, टू की एट पे जा रही है, थ्री की नाइन पे जा रही है, फोर की टेन पे जा रही है, ये जो रिलेशन हो गया वो एक क्या हो गया, फंक्शन. और एक चीज और, फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो ये पूरे का पूरा सेट होता है वो हमारे पास डोमेन होना चाहिए. फंक्शन में सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए. इन केस अगर ये रिलेशन होता तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज फंक्शन बिकॉज दिस रिलेशन, दिस रिलेशन फॉलो ऑल द कंडीशंस ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास ये रिलेशन, सपोज करते हैं स्टूडेंट्स ये रिलेशन होता, इफ आर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1, 7, 2, 8, 3, 9. सपोज करते स्टूडेंट्स ये रिलेशन होता है, इतना सिर्फ रिलेशन. तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में इसी सेट में देखिए, तो इसी सेट में आप जब देख रहे हैं तो यहां पर 1 की इमेज किसके बन रही है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1 की इमेज 7 एंड पे जा रहा है, 2 8 से कोरिलेट कर रहा है, स्टूडेंट्स की इसको बोलते हैं 3 9 4 4 जो बचा वो किसी की भी इमेज नहीं है, 4 किसी से रिलेट एसोसिएट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स. तो अब इस कंडीशन में ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, ए का हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, जबकि यहां 4 की एनी इमेज बनी नहीं रही है इसमें, तो फिर ये फंक्शन नहीं. इन दिस केस स्टूडेंट्स दिस इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट 4 इन द सेट ए एलिमेंट 4 हैज नो इमेज इन बी, बिकॉज एलिमेंट 4 ऑफ ए हैज नॉट इमेज इन बी. फंक्शन होने के लिए हर एक की इमेज बननी चाहिए. तो फिर यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास रिलेशन नहीं है. एक और कंडीशन स्टूडेंट देखते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि फंक्शन और रिलेशन में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा. तो इस तरीके से एक कंडीशन और देखते हैं, तो जिससे आप दो अच्छे तरीके से रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्लियर हो जाए. सो एक कंडीशन और देखते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सो दैट इज टाइप से रिलेशन 1, 7, 2, 8, 2, 9, and 3, 10, and 4. अब इस कंडीशन में आप बच्चों देखें, इसी सेट की बात हो रही है, सेम सेट में ए से बी में, अब ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, वी हैव टू चेक. तो सर स्टूडेंट्स 1 की इमेज किस पे जा रही है, 7 पे, 2 8 एंड 2 की इमेज 9 पे निकल रही है और 3 10 पे जा रहा है एंड 4 11. तो इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज तो बन रही है, लेकिन आप 2 एलिमेंट्स को देखिए, तो 2 इस एलिमेंट्स की यहां पर यूनिक इमेज नहीं बन रही है. एक ही एलिमेंट है 2 और उसकी 2 अलग अलग इमेज बन रही है, यूनिक इमेज नहीं बन रही है. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. सो दिस बिकॉज Element 2 of set A has more than one image. In B, so
दिस इज नॉट अ। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो अगर हमारे पास ये फर्स्ट कंपोनेंट अगर रिपीट कर रहा है, कभी भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी यूनिक इमेज नहीं बन रही। तो कभी भी रिलेशन अगर ये कंपोनेंट रिपीट कर रहा है फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है किसके होते हैं, डोमेन के होते हैं। सो अगर डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट करते हैं तो कभी भी रिलेशन को फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिक इमेज को नहीं सुन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन होता है। सपोज करिए स्टूडेंट्स, और 3, 8 और 4, 9। तो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स इस कंडीशन में देखिए ए के सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है, ये कर रहे हैं इससे, इसका ये एलिमेंट कहां इससे जाकर के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स छूट सकते हैं जो कि किसी को भी एसोसिएट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन में पॉसिबल है। तो एक के लिए डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, फंक्शन फॉर फंक्शन होने के लिए रिलेशन में जरूरी नहीं है कि ए का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से, ऐसा हो भी सकता है कि हम ऐसा जरूर कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं जो किसी से बी के पॉइंट से क्या करें रिलेट ना करते हों। दूसरा डिफरेंस ये है नो एलिमेंट ऑफ ए है एसोसिएट मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होंगे जो बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से क्या करें एसोसिएट। इसमें क्या है, इसमें ऐसा हो सकता है कि इसके एक ही एलिमेंट दो जगह उस पर जाकर के क्या करें क्रिएट करें, हो सकता है वन की इमेज सेवन पिक बन रही हो, वन की इमेज एट पिक बन रही हो। सो हियर मे बी एनी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारे पास फंक्शन का जो पूरे का पूरा डोमेन होता है, डोमेन्स मीन्स एक्स जो जहां जिनकी इमेज बनती है जाकर, तो सारे के सारे पॉइंट्स की इमेज बननी चाहिए, तो इसका मतलब डोमेन पूरे एलिमेंट्स होते हैं सूट्स, तो डोमेन पूरा सेट होता है फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन वो पूरा का पूरा सेट होता है। और रिलेशन भी ये कोई जरूरी नहीं कि जो रिलेशन गिवन है उसके जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ही जाकर के, इसमें हो सकता है इतनी तीनों की खाली रिलेशन हो तो खाली इतने पॉइंट्स आएंगे, इसका मतलब होता है डोमेन ऑफ रिलेशन मे बी सबसेट ऑफ बी, मे बी सबसेट ऑफ ए। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स रिलेशन और फंक्शन में एक्चुअल में डिफरेंस है। तो फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है, पर्टिकुलर टाइप होता है जो ये सारी कंडीशन है सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास जो रिलेशन हो जाएगा वो फंक्शन। सो स्टूडेंट्स दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज 2.3। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट प्रॉब्लम चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। ये बच्चों एक तरह से रिलेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट आल्सो दिस एंड सेकंड प्रॉब्लम एज सेम एज फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स लेट दिस फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन अ रिलेशन r is equal to 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 6। तो इसके स्टूडेंट फर्स्ट कंपोनेंट जिसको हम लोग एरो डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं उससे लेके होते हैं रेड, हमने इसके जो है ए सेट के लिए बी सेट के लिए फर्स्ट कंपोनेंट 2, 4, 6, 8, 10 प्रॉब्लम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम कर लेते हैं 2, 4, 8, 10, 12, 14 एंड हियर 2 सॉरी 1, 4, 2, 3 पांच वाले एलिमेंट कर सकते हैं 4, 5, 6, 7। तो यहां पर 2 की इमेज बन रही है 1 पे स्टूडेंट्स, ये एसोसिएट हो गया। 4 की इमेज सुपर बन रही है, 6 की इमेज 3 पर बन रही है, 8 की इमेज 4 पर बन रही है,
10 की वैल्यू 5 पर बन रही है, 12 की वैल्यू 6 पर बन रही है और 14 की 7। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ए सेट का यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जो सारे हैं वो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं इस बी वाले से। पहले वाले एलिमेंट्स को सेट मान लेते हैं और बाद वाले एलिमेंट्स ऑर्डर के बाद वाले को सेट नहीं मान लेते हैं, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो पहला एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 1 से हो रहा है, 4 यूनिक, हर एक एलिमेंट इमेज भी बन रही है स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज इन बी एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। सो दिस इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज दिस रिलेशन फॉलो ऑल द कंडीशन ऑफ फंक्शन, सो इट इज अ दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। सो स्टूडेंट्स ये रिलेशन जो हो गया कि आपको फंक्शन हो गया, क्यों हो गया वो भी मैंने आपको इसका रीजन दे दिया कि हर एक एलिमेंट की इमेज जिसे बननी चाहिए वो बन रही है और यूनिक इमेज बननी चाहिए वो भी बन रही है, कोई भी एलिमेंट से छूट है जिसकी इमेज इसमें ना बन रही है स्टूडेंट्स। तो जिस तरीके से जो फंक्शन हो रहा है वो हमारा फंक्शन होता है, तो रिपीट कोई नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक तरह से यूनिक इमेज बन रही है। सिमिलरली स्टूडेंट सेकेंड पार्ट जो पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये रिलेशन फंक्शन एक ही नहीं है। सो देखते हैं स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू -4, 4, 4, 4 and 3, 2। सो इसको भी हम लोग एरो डायग्राम में कर सकते हैं, इसको देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको करते हैं। पहले वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर के वो सेट एबल एक तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ले लिया सेट है, इसके एलिमेंट्स है -4, 4, 3 और ये वाला जो सेट है उसको हमने बी ले लिया जो कि है, तो हमारे पास 4, 4 और एक ही एलिमेंट है सेम, उसको रिपीट करते हैं 4। तो अब यहाँ पर -4, 4 से रिलेट हो रहा है, +4 भी 4 से रिलेट हो रहा है, 3, 2 से। सो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें बन रही है और सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, बिकॉज -4 की इमेज -4 अलग पॉइंट है, 4 अलग पॉइंट है, इसके लिए ये यूनिक हो गया और इसके लिए ये यूनिक हो गया, क्योंकि इसकी इमेज कहीं दो जगह नहीं बन रही है, इसकी इमेज इसमें दो जगह नहीं बन रही है, अलग अलग दोनों इमेज बन रही है, ऐसा फंक्शन हो सकता है। सो दिस इज आल्सो अ फंक्शन, अगर ये -4 की 4 पे जाती है और -4 की 2 पे चली जाती है तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि फिर वो यूनिक इमेज नहीं फाइंड होता। तो दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके सारे पॉइंट्स की इमेज इसमें बन रही है और इसकी यूनिक इमेज बन रही है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट इसमें नहीं है जो दो इमेज बन रहा हो, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। नाउ स्टूडेंट सेकेंड प्रॉब्लम सिमिलर, चेक दिस आर फंक्शन और स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट
check this relation is function or not. So what is the relation? So relation is given 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2. So represent this relation in arrow diagram first. We have an arrow diagram first by order of first okay. So 2, 2 same hai. एक बार लिखिए 4 1 ये एलिमेंट्स हैं और सेकंड एलिमेंट्स है 1 3 एंड 2. अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2 एसोसिएट हो रहा है 1 से और 2 ही एसोसिएट हो रहा है 3 से और 4 एसोसिएट हो रहा है 3 से 1 से. तो हर पॉइंट इमेज तो बन रही है लेकिन आप ये देखिए 2 एलिमेंट ये एलिमेंट 2 है सेट ए का वो एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं बने दो अलग अलग इमेज बन रही है सिंस एलिमेंट 2 ऑफ सेट ए हैज 2 इमेजेस इन बी यूनिक इमेज नहीं बन रही है हैंस दिस रिलेशन इज नॉट अ वन इज नॉट अ ये रिलेशन स्टूडेंट फंक्शन नहीं होता. तो बच्चों आप समझ गए कि कब कोई रिलेशन फंक्शन होता है और कब फंक्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स. तो आसानी से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं.